नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को अगले चरण की होगी बातचीत। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का 12 महामारी केंद्रों में पता चला। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 300 से रही नीचे। 8 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण को लेकर एक और मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। आइए अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 4 जनवरी 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की। अगली बैठक 8 जनवरी 2021 को होगी। आइए इस बारे में नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि मंत्री ने कहा कि दिनांक 30 दिसंबर 2020 को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है। इस पर मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि हम इन तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिंदुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार है। बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से ये तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के दो कानून नए और एक संशोधन, ऐसे जो तीन कानूनों के बारे में चर्चा चलती है उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सकें। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सदियों से पूरी दुनिया में मौजूद है। भारत में ये बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षी द्वारा फैलती है जो सर्दियों के महीने यानी सितंबर अक्टूबर जब सर्दियों की शुरुआत होती है तब से लेकर फरवरी से मार्च तक भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और राज्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निवारक और नियंत्रण उपायों के आधार पर दैनिक स्थिति का पता लगाया जा सके। आइए जानते हैं इसके बारे में और अधिक विस्तार से। देश के कुछ राज्यों में प्रवासी पक्षियों, जंगली एवं देसी कौओं और पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर नई दिल्ली के कृषि भवन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम पर कार्य योजना 2015 की परिकल्पना के अनुसार प्रकोप के प्रबंधन, रोग नियंत्रण और रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुविधा प्रदान करना है। भारत में मनुष्यों में अभी तक इसके संक्रमण का पता नहीं चला है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक है। इस बात का ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि प्रदूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से AI का वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है।
जैव सुरक्षा सिद्धांतों, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई तथा कीटाणु शोधन प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने के साथ साथ खाना पकाने और प्रसंस्करण मानकों को अपनाना एआई वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रभावी साधन है। इन सुझावों में पोल्ट्री फार्मों की जैव सुरक्षा को मजबूत बनाना, प्रभावित क्षेत्रों का कीटाणु शोधन करना, मृत पक्षियों के शवों का उचित निपटान, बीमारी की पुष्टि और आगे निगरानी के लिए समय पर नमूने लेना और उन्हें परीक्षण के लिए भेजना है। राज्यों को ये भी सलाह दी गई है कि वे पक्षियों की असामान्य मौत के बारे में रिपोर्ट के लिए वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें। अन्य राज्यों से भी पक्षियों की असामान्य मौत के बारे में सतर्कता बरतने और आवश्यक उपाय करने के लिए तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। और आइए अब जान लेते हैं केरल में बतख में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति और देश में कौवे, जंगली तथा प्रवासी पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति के बारे में। केरल में पक्षियों को मारने के लिए अलापुझा जिले के उपरोक्त 4 एपी सेंटरों में कुल 5 आरआरटी और कोटायम जिले के निंदूर एपी सेंटर में 8 आरआरटी तैनात किए गए हैं। अलापुझा जिले के एपी सेंटरों में कुल 17,326 पक्षियों को मारा जा चुका है और कुल मिलाकर 1,570 किलोग्राम चारे को नष्ट किया गया है। राजस्थान में जयपुर के काले हनुमान जी फॉरेस्ट नाका से कौवे के कुछ नमूनों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण पाए गए हैं। तदनुसार राज्यों को सलाह जारी की गई है ताकि पोल्ट्री तक इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। हरियाणा में 7,111 घरेलू पक्षियों, मध्य प्रदेश में 150 जंगली पक्षियों, गुजरात में 10 कौओं और हिमाचल प्रदेश में 336 प्रवासी पक्षियों में असामान्य मृत्यु पाई गई। हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य ने इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 59 आरआरटी का गठन किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020 और 21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। आइए देखते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी इस खास रिपोर्ट में। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 94,414,80,00,000 रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक 52,40,00,000 रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है।
कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठे खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410,54,00,000 रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोरोना महामारी से देश में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 12 दिनों में प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 300 से नीचे दर्ज की गई है। वहीं कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2.19% की गिरावट के साथ 2.27 लाख पर आई है। साथ ही साथ ब्रिटेन से आए नए म्यूटेंट स्ट्रेन के कुल 71 मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी संचयी मामलों की संख्या की केवल 2.36% ही रह गई है। भारत के परीक्षण बुनियादी ढांचे में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश में 2,299 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। पिछले 11 दिनों में 1 करोड़ परीक्षण किए गए हैं। अधिक परीक्षणों के कारण पॉजिटिव दर घटकर 5.89% हो गई है। बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने और दैनिक नए मामले कम होने के कारण भारत में कोविड के ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई है। आज तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या लगभग 99,05,000 हो गई है। इस कारण मरीजों के ठीक होने की दर 96.19% हो गई है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,668 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,065 और 1,432 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केरल में कोविड के 4,600 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कल 3,282 और 896 नए मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 और 25 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी सक्रियता से काम कर रहा है। करीब 1.7 लाख टीका लगाने वाले वैक्सीनेटर और टीकाकरण टीम के 3 लाख सदस्यों को टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आइए देखते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी इस रिपोर्ट में। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में 2 कोविड टीकों को आपात स्थिति में उपयोग करने की अनुमति दी है। जल्द ही टीकाकरण शुरू करने की भी उम्मीद है। ऐसे में ये जरूरी है कि देश भर में टीकाकरण अभियान के संचालन से जुड़ी सभी सुनियोजित प्रणालियों का कम से कम एक बार परीक्षण अवश्य किया जाए। टीकाकरण की वास्तविक तैयारियों का परीक्षण करने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से अधिक जिलों में 8 जनवरी को दूसरे चरण का ड्राई रन चलाया जाएगा। टीकाकरण का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में वैक्सीन आपूर्ति के लिए कुशल योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। पिछले ड्राई रन की तरह इस बार भी प्रत्येक जिले में 3 स्तरों पर टीकाकरण स्थान निर्धारित किए जाएंगे। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण अथवा शहरी पहुंच वाले स्थान शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज 7 जनवरी को एक बैठक की, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्राई रन के संचालन के बारे में जानकारी दी गई। संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वैक्सीन के भंडार की वास्तविक जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों के व्यक्तिगत आकलन के लिए एक सॉफ्टवेयर कोविन विकसित किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य सामान की पर्याप्त आपूर्ति के साथ शीत भंडारण की बुनियादी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के विभिन्न पक्षों से संबद्ध विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साझा किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। चलिए बात करते हैं कृषि कानून की। खासतौर से अगर देखा जाए, कृषि सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और उसी के लिए जो नए कृषि कानून आए हैं उनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कानून ने पारित किया गया है, किसानों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तीनों जो अभी नए कानून आए हैं ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे। ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी तो वो वहीं जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयरहाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है, तो ये तो किसान की तरफ की फ़ायदेमंद है। लेकिन व्यापारी को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले उसको हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और इंटर स्टेट ट्रेड में उसको दूसरे स्टेट का भी लाइसेंस लेना चाहिए पड़ता था। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, एक पैन कार्ड अगर है व्यापारी के पास तो वो कहीं भी जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। और जो दूसरा, जो उसको संक्षिप्त में अगर कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो उसमें अब बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम ला दिया गया है कि किसान और जो स्पॉन्सर है उनके बीच में लीगल एग्रीमेंट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं, क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस किसान, किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा, इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है, और इनकेस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा SDM के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी, किसके मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, 1 महीने का टाइम है उसमें। जिस तरह से आपने बताया कि इससे फ़ायदे हैं, व्यापारी को भी किसान को भी फायदा है, लेकिन अगर हम देखते हैं मैम कि बेचने के जहां पर सवाल आता है कि उसको एक ऑप्शन के रूप में मंडी में भी APMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं, ENAM के माध्यम से भी हैं, लेकिन और MSP भी है, लेकिन मैम MSP की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये किसान के भी डिमांड है कि MSP के क्या उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके वजह से उसके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर हम व्यापारी को न बेच सके तो भारत सरकार को हम बेच सकते हैं। MSP पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, तो इससे इन कानूनों से MSP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार इनफैक्ट जो MSP अनाउंस हुई है उसमें फिर हम लोग ने देखा है कि फिर बढ़ोतरी हुई है, जैसे जो पहले की रिकमेंडेशन था, और ख़रीद भी ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद शुरू, इस बार 26 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। तो इसको तो बिल्कुल
खंडित करना चाहिए एट ऑल लेवल्स कि इन कानून से आने से एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एमएसपी चालू रहेगी जैसे हमेशा से रही है। जी, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं मैम, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान हैं उसको कितना फ़ायदा होगा और क्या देश में ऐसा कहीं पर एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए, इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो FPO बनेंगे, हम लोग 10,000 FPO बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो किसान छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे FPO से मिल जाएगा, तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। जी, मैं इसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955 के हैं, उसमें मैम इसमें सुधार किया गया है कि जो स्टॉक लिमिट से था उसको हटा दिया गया है, आलू प्याज या जो भी आवश्यक वस्तु है, इससे क्या कालाबाजारी वगैरह कुछ बढ़ेगा या जो किसान है उसको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें ये मंशा थी कि इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी, तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जी मैम, जैसे अगर हम भंडारण की बात करते हैं इसमें प्राइवेटाइजेशन गांव में आएगी, ठीक है, और इसके बाद में अगर हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, क्या आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से इस मैटर पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल लगातार होती है क्योंकि पूरी ये तो कड़ी है, अगर एग्री वैल्यू चेन आप देखें तो रिसर्च प्रोडक्शन और एंड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ये तो पूरी कड़ी को ही देखा जा रहा है। तो जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग की आप बात करेंगे तो अभी हम लोग के यहाँ प्रोसेसिंग लेवल्स कम हैं, लेकिन जैसे बैकवर्ड लिंकेज लेंगे तो ICR ने प्रोसेसेबल वैराइटीज़ बनाने का अपने टारगेट्स रखे हैं, तो वो वाली ही 10 वैराइटीज़ ऑलरेडी रिलीज़ करी जा चुकी हैं टमाटर आलू इन सब किस्मों की, और वो किसान जब उगाएगा तो वो फिर प्रोसेसेबल वैराइटीज़ होंगी और इंडस्ट्री आके प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकता है। तो जो दो बड़ी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की, एक तो मेगा फूड पार्क्स पुरानी वाली स्कीम है, कृषि संपदा योजना जो है, और अभी एक हाल में उनकी एक और स्कीम अप्रूव हुई है प्रधानमंत्री सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उसमें हम लोग बराबर उनसे बात कर रहे हैं और इनफैक्ट आज भी एक ऑर्गेनिक की जो हमारी स्कीम है नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें हमारी स्टेट्स के साथ आज बात है, उसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर्स आएंगे और वो बताएंगे हमारे ऑर्गेनिक FPOs को जो ऑर्गेनिक मिशन चला रही हैं स्टेट्स को कि ये दोनों स्कीम्स को किस तरह आपस में जोड़ के ज़्यादा अच्छा कर सकें, क्योंकि इसमें जो फूड लॉस और वेस्टेज है वो अगर हम लोग कम करेंगे तो मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, सो फूड लॉस्ट रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्टेज इज एज गुड एज फूड प्रोड्यूस्ड, तो ये एकदम आपस में हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं काम। जी मैम, आपने बताया कि इसका जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है या और भी जो कंपनी है गांव में आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका गांव के जो किसान के खेती है उसको अपने मोनोपोली के रूप में उसको ले ले कि हाँ हम जो कहेंगे वही आपको उत्पाद तैयार करना है, वही फसल आपको उगाना है और आपकी एक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, इसको स्वतंत्रता खत्म होने के एंगल से ना देखा जाए,
बट जो भी अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में होगा वो दोनों सहमत होंगे उसके लिए। तो अगर किसान को लगता है कि मैं अगर इस तरह की प्रजाति लगाऊंगा आलू की और मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली उसके लिए जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर कुछ भी लगाएं और फिर उसके बाद बाज़ार ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जैसे है उसको पहले ही पता होगा कि अच्छा मैं ये आलू लगा रहा हूँ या प्याज लगा रहा हूँ, मेरा ये बायर होगा, मुझे ये प्राइस मिलेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा ना। इंडस्ट्री को भी उतनी ही मात्रा मिलेगी, उतनी ही गुणवत्ता का सामान मिल जाएगा जो उनको ज़रूरत है, और किसान को पता है कि मुझे मेरे सामान के लिए बायर है और ये प्राइस मिलेगी, और प्राइस वो फिक्स रहती है, उससे वो मतलब किसान को उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने की संभावना है कि अगर उसका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है या प्रिवेलिंग प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो प्रीमियम प्राइस उसको ऐड होगा, तो किसान को किसी भी हाल में नुकसान नहीं है इस अग्रीमेंट के दौरान। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कॉटन क्रॉप में